Welcome back, students. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn a new chapter of class 10th, that is chapter number 8, how do organisms reproduce. बेटा इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और रिप्रोडक्शन हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता हो नए इंडिविजुअल्स को जो सिमिलर हों बिटवीन देमसेल्फ एंड टू देयर पेरेंट्स. और बेटा रिप्रोडक्शन का रेलेवेंस क्या है इस प्लेनेट अर्थ पे, तो रिप्रोडक्शन हमारा इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को. अगर किसी जनरेशन में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो उस स्पीशीज की जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी. और जो रिप्रोडक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, वो स्टोर होती है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. और हमारा जो फीचर्स हैं जो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, वो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो पाते हैं. और हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जो डीएनए है वो कॉपी होता है और सेल के अदर कंपोनेंट्स जैसे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी कॉपी होते हैं. और वो क्या होती हैं, जो कॉपीज होती हैं वो सिमिलर तो होती हैं ओरिजिन में बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब वो एक जैसी नहीं होती. और इसी की वजह से यहाँ पे वेरिएशन आता है. वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि कोई भी जैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा और गैमेट फॉर्म करके क्या करेगा, एक हैप्लॉयड गैमेट को फॉर्म करता है. जैसे कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड को फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन होना. उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक सेगमेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नए टाइप का एक कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है. इसी वजह से आप देखते होंगे, आप मीन्स दो बहन भाई हो, सपोज तीन बहन भाई हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखते हो. आप लोग थोड़े बहुत आपके फीचर्स जो होंगे वो डिससिमिलर होंगे एक दूसरे से. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन क्यों आ जाता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इनसाइड योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है. क्यों, वेरिएशन एक तो इवोल्यूशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो हमारे वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है. और वेरिएशन की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म की एडेप्टिबिलिटी है, उसकी सर्वाइवेबिलिटी है. अगर वो उसके अंदर वेरिएशन नहीं है या कम है तो उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत कम होगा. और सर्वाइवल कम होने के साथ साथ उसका एक्सटिंक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आप उनका जो है लाइफ स्पेन देखिए, कुछ का कुछ डेज का होता है, कुछ का वीक का होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं हायर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि वहां पे वेरिएशन आ पाता है और उसकी वजह से आप उनका लाइफ स्पेन देखिए, किसी का जो है 100 ईयर्स होता है, किसी का 50 ईयर्स होता है. और आप जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा भी माइन्यूट उनका एनवायरमेंटल जो है चेंज करके देखिए. जैसे सपोज करो कोई बैक्टीरिया है 28 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करता है, आप 28 या 29 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए या उसका 25 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो जो बैक्टीरिया था वो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को. तो वो क्यों नहीं कर पा रहा अपने आप को प्रोपोगेट, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन नहीं था. और वेरिएशन ना होने की वजह से वो जो एनवायरमेंटल चेंज हुआ वो अडेप्ट नहीं कर पाया. लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम अपनी बात करें, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग आप 50 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, आप 0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, आप 10 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, आप 40 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, हम लोग हर एनवायरमेंटल कंडीशन को विदस्टैंड कर पाते हैं. और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन है. तो वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के
सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अगर वेरिएशन ज़्यादा अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा उसका सर्वाइवल होगा, उतना ही अच्छा वो अडेप्ट कर पाएगा। तो ये तो बात थी वेरिएशन की। अब मैं बात करता हूँ कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन बेटा बेसिकली दो तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, एक होगा सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप सब लोग जानते हैं कि वहां पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो प्रोजेनी है वो आइडेंटिकल होंगी अपने पेरेंट से, पेरेंट के साथ साथ वो आपस में भी एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं आया, वहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहां पे वेरिएशन नहीं आया। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के बाद वो दोनों जो पेरेंट होंगे वो हमारे अपोजिट सेक्स के होंगे, ठीक है? और वो जब उनके अंदर एक प्रोसेस होगा जिसे कहते हैं हम लोग गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हमारे हैप्लॉइड गैमेट बन के आएंगे, जिसके बाद गैमेट का फ्यूजन होगा जिससे हमारे ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे जो प्रोजेनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से, इसीलिए हम लोग इन्हें क्लोन्स भी कह देते हैं, वी कॉल देम क्लोन्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इनको हम लोग एक टर्म दे सकते हैं, दैट इज क्लोन, ठीक है? और यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके अलावा हमारी जो प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी बेटा, वो जेनेटिकली सिमिलर तो होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। मतलब कि हम लोग सब जेनेटिकली तो थोड़े सिमिलर होते हैं सब के सब, ठीक है? लेकिन हम लोग आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे के जैसे नहीं होते। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़े। तो आप इन डिफरेंसेस को जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो यू कैन राइट दीज फोर पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पे वेरिएशन भी नहीं होगा, देर इज नो वेरिएशन, देर इज प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग कि हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक यूजफुल मीन है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकता है। और ये होता किसके अंदर है? ये होता है हमारे लोअर प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स की। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा बाइनरी फिशन या फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। तो टूटने में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन होके दो ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। अगर वो ब्रेकडाउन होके दो ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होता है तो उसे कह देते हैं हम लोग बाइनरी फिशन। और कोई ऑर्गेनिज्म अगर ब्रेकडाउन होके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाता है उसे कह देते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का जो एग्जांपल है वो है हमारा अमीबा। अमीबा और हमारा जो मल्टीपल फिशन है उसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो ये तो था हमारा फिशन। तो फिशन के अंदर आपने देखिए बाइनरी फिशन देखा। बाइनरी फिशन में क्या हुआ कि कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड हुई दो इक्वल हाफ में डॉटर सेल्स के अंदर, उसे हम लोग कह देते हैं बाइनरी फिशन होना। और मल्टीपल फिशन के अंदर क्या हुआ? कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड हुई मैनी डॉटर सेल्स के अंदर। तो आप एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी जो सेल है, सपोज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये कोई न्यूक्लियस था, ठीक है? ये सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या हुआ? न्यूक्लियस एनलार्ज कर रहा है। यहाँ बीच में आप देखिए सेकेंड नंबर डायग्राम में न्यूक्लियस लेंथ, न्यूक्लियस की जो है लेंथनिंग बढ़ रही है। तो वहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले
सबसे पहले वहाँ पे एक फुरो बनती है, फुरो बनने के बाद तो इस इवेंट को हम लोग कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस पहले होगा मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कह देते हैं, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमारी दो नई आइडेंटिकल सेल बन जा रही हैं, डॉटर अमीबा बन जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक सेल से हमारी फाइनली दो सेल बन गई, तो उसे कहते हैं हम लोग बाइनरी फिशन। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस लेंथनिंग हुआ तो उसे न्यूक्लियोकाइनेसिस कह दिया, साइटोप्लाज्म लेंथनिंग हुई उसे तो हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस कह दिया। अब हमारा एक होता है बडिंग, बडिंग के अंदर क्या होगा बेटा, एक सबसे पहले क्या होगा, कोई पेरेंट सेल है, ये जनरली हमारे जो भी ईस्ट हैं और हाइड्रा है उनके अंदर ये जो प्रोसीजर है हमने हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कोई पेरेंट सेल है उसके ऊपर कोई एक आउटग्रोथ निकलेगी पेरेंट बॉडी पे, और वो रिपीटेडली डिवाइड करती चली जाएगी उसी एक पर्टिकुलर साइट पे, और हमारे वो बड बड़ा होता चला जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो बड डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और डिटैच होने के बाद वो एक नई पेरेंट बॉडी बना लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग, ये हम लोग हाइड्रा के अंदर देखते हैं और ईस्ट के अंदर देखते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन जनरली हमारा राइजोपस के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हम लोग स्पोरेंजिया, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करके रखती है इन स्पोर्स को। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक स्पोरेंजियम था, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इनके अंदर देखिए बहुत सारी मल्टीपल स्पोर्स भरी हुई हैं, और ये स्पोर्स वो चारों तरफ से एक थिक आउट कवरिंग ने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो ये नीचे इसके स्टोलॉन्स हैं, ये राइजॉइड्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन का, द एग्जाम्पल इज राइजोपस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू थिंग, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जैसे स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा के अंदर कोई एक पेरेंट सेल है, वो क्या कर रही है, वो फ्रेगमेंटेड हो गई, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गई, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो जो फ्रेगमेंट था जो टूट के बना वो फिर से ग्रो करके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म उसने फॉर्म कर लिया। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग रीजनरेशन होना। रीजनरेशन में क्या होगा, कोई भी जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारा हाइड्रा हो गया या प्लेनेरिया हो गया, उनके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक इंडिविजुअल ब्रोक डाउन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया तीन पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया, और देखिए नए तीन प्लेनेरिया यहाँ पे बन गए। हाइड्रा के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए उसकी जो मेन पेरेंट बॉडी थी वो तीन पार्ट में हमारी डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद हमारी तीन नए हाइड्रा वहाँ से फॉर्म हो गए। तो इस टाइप्स का जो हमारा फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और आपको अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप यू कैन डायरेक्टली गो ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड माय एप्स, एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट द न्यू वीडियोस ऑफ नो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो वो आपको ग्राना बायोलॉजी क्लासेस नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको गूगल प्ले स्टोर पे से। और अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है तो आप उसमें RBC लिख देना। नाउ